इन सब पलों से मैं गुजरा हुआ हूँ, इन सब पलों को मैंने फेस किया हुआ है। सोचा मैंने क्या था और बन मैं क्या गया। जब 12th मैंने क्रॉस की, उसके आगे कॉलेज जाने का समय आ गया। जब कॉलेज की बारी आई थी तो उस टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हुआ करती थी, 2011 की बात है। या फिर अच्छा सा जॉब देखा और वो जॉब के मैं काबिल नहीं था या जॉब मेरे काबिल नहीं थी। जब मैं स्कूल में था तो मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का। कहते हैं कि सपने सभी की आंखों में होते हैं और जब तक हम सपने देखेंगे नहीं तब तक हम उन सपनों तक पहुंचेंगे नहीं। मैंने एकेडमी का भी दरवाजा खटखटाया, वहां की फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम में। अब ये 6,500 रुपए महीने के देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक मन में मेरे थॉट आया कि यार पायलट बनना है। उन्होंने मुझे पूरा लमसम खर्चा बता दिया, 9 से 10 लाख रुपए। अब जैसे ही मुझे खर्चा पता चलता है तो भाई मैं काफी डिप्रेस हो गया और मैंने उन फ्री डेज के अंदर एयर कंडीशन का काम सीखा टेक्निकली पूरा वर्क। अचानक से होम पेज पे यूट्यूब के एक वीडियो आया, यूट्यूब पे काम करो पैसा कमाओ वीडियो डाल। आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े थे मगर पीछे सिर्फ यूं हुआ करता था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन ही एक होता था जो हमारे सामने आती। अगर आज के ज़माने में लोग पैसे से अमीर होते हैं, दिल से गरीब होते हैं। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका ये कहना कि भाई क्या कर रहा है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारी फैमिली में सब एक नॉर्मल ऐसा ही है सीधे। तो अपने पूरे खानदान में एक मैं ही हूँ जो इस स्टेज तक पहुँचा हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ। उस टाइम में मेरी अम्मी ने बहुत साथ दिया। घर के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन, अब जो लोग आते घर में परेशानी देख के वो ये कहते कि ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। रमज़ान आते हैं तो वहाँ मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आता है। अच्छा, यूट्यूब में ग्रो होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी 12,000 कभी 13,000 महीने के आते गए, हमारे लिए उस टाइम में बहुत तैयार थे। जहाँ मैं रहता था छोटी सी जगह में जहाँ मैंने काम स्टार्ट किया था वो बहुत छोटी जगह थी, खुद का घर करना। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आसान तो नहीं है, मगर अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होता, जो आपकी किस्मत में बुरा भी लिखा होगा ना, वो भी मिट के उन गलतियों से सीखना। यह है कि इंसानों से मोहब्बत करो, चीज़ों से नहीं। किसी का ना जाए दिल ना दुखाओ। और आज की डेट में अल्लाह का शुक्र ये है कि हर चीज़ है। आज अभी मैंने कार भी ली, चाहे भले ही मैंने सेकेंड गाड़ी ली, मगर मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। इस वीडियो का टॉपिक काफी यूनिक होने जा रहा है क्योंकि अब से 3 सालों में मैंने इस टॉपिक के ऊपर कभी बात ही नहीं की। तो अब मैं चाहता हूं अपनी लाइफ का एक शॉर्ट हिस्सा, अपनी लाइफ के वो पल आप सभी से शेयर करना। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स में शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सपने हर कोई देखता है, सपने साकार हर कोई करना जानता है और हर कोई अपने सपनों तक पहुंचना चाहता है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम की वजह से अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाता या फिर कोई अदर प्रॉब्लम भी वहां पर आके खड़ी हो जाती है। सपने इन द सेंस, जैसे हमें कोई गाड़ी लेनी है या हमें कोई घर लेना है या हमें कोई मकान बनाना है अपना, या हमें पूरी दुनिया ही क्यों ना घूमनी हो, सपने सभी की आंखों में होते हैं। और उसमें से बहुत कम नंबर्स में ऐसे होते हैं जो अपने सपनों तक पहुँच पाते हैं और बाकी ज़्यादातर लोग पहले ही डाउन चले जाते हैं। इसमें रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे होते हैं जो अपने दिमाग के अंदर थॉट्स लेके बैठे होते हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए डाउन चले जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए किस तरीके से अपने काम को मैनेज करना होता है, ये इम्पॉर्टेंट करता है। इन सब पलों से मैं गुजरा हुआ हूँ, इन सब पलों को मैंने फेस किया हुआ है और तभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिस तरीके से मुझे ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। सोचा मैंने क्या था और बन मैं क्या गया। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो जो आपने सोचा हो आपका वो पूरा हो, कुछ और भी मिल सकता है आपको उसके बदले में। तो वैसे ही मेरी लाइफ से जुड़ा एक पल सबसे पहले तो ये था। लाइफ स्टार्ट होती है हमारे स्कूल से। स्कूल जब मैं जाता था, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी ऐसे करते करते 12th तक पहुंच गया। जब 12th मैंने क्रॉस की, उसके आगे कॉलेज जाने का समय आ गया। जब कॉलेज की बारी आई थी तो उस टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, 2011 की बात है, अब से 12-13 साल पहले की बात है। तो कॉलेज जाने के टाइम पर फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, कोर्स लेने में एडमिशन कराने में तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मगर फैमिली मेंबर्स ने फिर भी हमें फोर्स किया कि तुम करो। मेरा कहना यह था कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैंने जान करके बोला क्योंकि उनको ये ना लगे कि यार फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये फेस करना पड़ रहा है। 12वीं के बाद में मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो फिर क्या था, स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद 1-2 साल ऐसे ही गुजार दिए। फिर अच्छा सा जॉब देखा और वो जॉब के मैं काबिल नहीं था या जॉब मेरे काबिल नहीं थी, ये हम कुछ भी कह सकते हैं। जॉब में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ये सपना नहीं था कि मैं पढ़ूं लिखूं तो जॉब करूं। जब मैं स्कूल में था तो मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का।
क्रिकेट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्रिकेट हम खेलते भी थे अपने स्कूल के अंदर, हमारी टीम बनी हुई थी, हमने पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, यूपी से, कहाँ कहाँ से हमने क्रिकेट खेला और सभी जगह जीत हासिल करी, किसी किसी में हारे भी मगर मैक्सिमम नंबर्स में जीत हासिल करी। तो मेरा इंटरेस्ट रहा था कि मैं बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। कहते हैं कि सपने सभी की आंखों में होते हैं और जब तक हम सपने देखेंगे नहीं तब तक हम उन सपनों तक पहुंचेंगे नहीं। अब आपने सपने देखे ही ना हो और आप वहां तक पहुंच जाओ, इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको वहां पहुंचने से पहले सपना देखना होगा, उसके बारे में सोचना समझना होगा, स्ट्रगल करना होगा, मेहनत लगन सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, रातों की नींदें भी उड़ानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं सोचता था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। फिर हम लोकल क्रिकेट खेलते थे सारे फ्रेंड सर्कल में, स्कूल के दोस्त हो गए अपने, वैसे नेबर के दोस्त हो गए। तो फिर मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है। तो मैंने एकेडमी का भी दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम में। 2011 की बात, 2009 से 11 के बीच की बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को, 10 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है। मैं एकेडमी गया था, वहाँ पर जो चार्ज ले रहे थे वो उस टाइम में 6,500 रुपये ले रहे थे पर मंथ। 6,500 रुपये पर मंथ एकेडमी का चार्ज था, जिसके अंदर वो हमें किट भी खुद ही खरीदनी थी क्रिकेट की। अब ये 6,500 रुपये महीने के देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ना घर वाले अफोर्ड। अब घर वाले तो कहते हैं कि भाई क्या दिमाग लगा रहा है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए मैं हार मान के बैठ गया, भाई क्या ही कर सकते हैं अब इसके बाद। तो स्कूल टाइम की ही बात है, जब मैं 11th क्लास का था, मैंने साइंस में इंटरेस्ट लिया। मुझे बहुत शौक था साइंस के बारे में जानना, साइंस के बारे में पढ़ना, इन सब चीज़ों को परखना। तो फिर मैंने एक मन में मेरे थॉट आया कि यार पायलट बनना है, और फिर पायलट बनने का सपना अपनी आंखों में लिए घूमने लगा। अच्छा जी भाई ठीक है। फिर मैंने काफ़ी सारे लोगों से पायलट के कोर्स के बारे में बात किया, अपने जो स्कूल के हमारे टीचर्स थे उनके बारे में बात किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट्स भी बताए कि आप यहाँ यहाँ से कोर्स कर सकते हैं ये। तो मैंने वहाँ उनको डायरेक्टली कॉल किया। अब वहाँ मैं कॉल करता हूँ, उन्होंने मुझे पूरा लमसम खर्चा बता दिया, 9 से 10 लाख रुपये का, जितना भी सारा कोर्स है, जितनी भी आपकी कोचिंग्स हैं, फीस है, वो सारी चीज़ें मिला के, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है कि ज़्यादा लगते हूँ मगर जहाँ तक मुझे पता है। अब जैसे ही मुझे खर्चा पता चलता है तो भाई मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार इतने पैसे कहाँ से हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं वहाँ भी शांत होकर बैठ गया। अब लाइफ यूं ही चलती रही, 12th क्रॉस कर लिया, उसके बाद से मैं कुछ नहीं करता था, खाली घूमते थे, कभी इधर बैठ गया, कभी इधर, घर में टाइम पास, ये वो, लाइफ बिल्कुल ऐसी चल रही थी। 2-3 सालों में मैंने जॉब भी ज्वाइन की, वहाँ पर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर आगे चल के धीरे धीरे 2016 तक पहुँचे। 16 तक जाने के बाद एक मुझे पोस्टर मिला, फिल्म के लिए ऑडिशन दीजिए। आपको पता है किस तरीके से ठगी लोगों के द्वारा की जाती है। हमारे दिल्ली में 10 से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाजपत नगर, लाजपत नगर का उनका एड्रेस था, वहाँ जाइए ऑडिशन दे दीजिए। मैं चला गया, उनकी फीस थी ऑडिशन देने की 1,000 रुपीज़ कंपल्सरली है, और ये 1,000 रुपीज़ जब आप दे देंगे आप पास या फेल, आपके ये वापस नहीं मिलने। एक डायलॉग बुलवाया वहाँ पर खड़े हुए, लड़की के बारे में कोई डायलॉग बोलना था, बोला, फिर उस डायलॉग में उन्होंने मुझे पास कर दिया। मुझे नहीं पता था, मैं मुझे खुद का अब इस स्टेज पर आके ये मानना है वो भाई बिल्कुल कूड़ा था जो मैंने बोला था सच में, मगर उन्होंने फिर भी कह दिया भाई ठीक है चलो इतना तो मैंने दे दिया जैसे कैसे करके। ये नोटबंदी से पहले की बात है, जब 2016 में नोटबंदी हुई है उससे 2 महीने पहले की बात है। तो मैं लाजपत नगर में ऑडिशन दिया आया। अब फिर वहां से मेरे पास में कॉल आता है कि जी आप ऐसे ऐसे करके 2,00,000 बताए थे, 2,07,000 या 2,08,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी, तब आपको कुछ एड्स मिलेंगे, यानी कि एडवर्टीजमेंट के अंदर काम मिलेगा और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा जैसे कैसे करके। अब बात फिर यहीं आती है फाइनेंशियल कंडीशन की, मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कोई काम ऐसा भी है जो बिना पैसे का किया जाता है, हर कोई इतने पैसे उतने पैसे उतने पैसे। मैं मानता हूँ भाई पैसे देखो हर जगह लगते हैं, अगर काश मैं उनकी जगह होता हो सकता है मैं भी यही करता और लोगों के साथ में। अच्छा फिर मैंने क्या किया, वो 1,000 रुपये पे मैंने मिट्टी डाल दी। मैंने कहा छोड़ो भाई रहन दो, अपने बस की बात नहीं है, इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। लाइफ जैसे कैसे चल रही थी, फिर फ्री डेज थे और मैंने उन फ्री डेज के अंदर एयर कंडीशन का काम सीखा, टेक्निकली पूरा वर्क पूरा काम जानता हूँ मैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, काम एक काम होता है। तो एयर कंडीशन का मैंने पूरा काम सीख लिया। अब जितने भी अपने घर में एसी वेसी लगते हैं वो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। फिर अचानक से नोटबंदी हुई, उसके बाद से सीधे सीधे से जियो भी लॉन्च हो गया, और वो भी फ्री में भाई। आप
फोन लो स्मार्टफोन, आपको नेट मिलेगा, इंटरनेट फ्री। भाई उस टाइम तो अमृत था हमारे लिए, क्योंकि इंटरनेट रिचार्ज करने के लिए इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर मैंने क्या किया, जैसे कैसे करके मैंने 7 से 7,500 रुपए का ईएमआई पे फोन लिया। ईएमआई पे 2,500 रुपए की डाउन पेमेंट देके ईएमआई पे फोन ले लिया, जियो का सिम लिया, फिर अपना फ्री का इंटरनेट चलाना स्टार्ट कर दिया। अब 2 या 3 महीने के बाद अचानक से होम पेज पे यूट्यूब के एक वीडियो आया, यूट्यूब पे काम करो, पैसा कमाओ, वीडियोज डालो। अच्छा, मेरा फोकस पैसे पर नहीं था, मेरा फोकस था अपनी ग्रोथ के ऊपर। अपने लाइफ को एक ऐसी जगह सेट करो जहां पर हमें पैसों के लिए भागना ना पड़े यार, कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को सेट करना है। आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े थे, मगर पीछे सिर्फ यूं हुआ करता था कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन ही एक होता था जो हमारे सामने आती थी, फेस करनी पड़ती थी, बाकी इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि पहले के ज़माने में लोग दिल से अमीर हुआ करते थे, मगर आज के ज़माने में लोग पैसे से अमीर होते हैं, दिल से गरीब होते हैं। और ये कहता है मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है वो मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिख के बताना। फिर क्या हुआ, मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में समझा, समझने के बाद फिर एक बड़ी समस्या कि भाई कंटेंट क्या बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास में एक स्मार्टफोन भी आ गया, अब हम अच्छे से प्रोफेशनली वीडियो बना सकते हैं। तो फिर मैंने अपने जितने भी सारे दोस्त थे उन सबको ज्वाइन किया, करने के बाद हमने ग्रुप वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। उस टाइम में व्यूज़ बहुत कम आते थे, भाई क्या करें क्या करें, चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी जैसे कैसे करके चल रही थी। अब धीरे 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 करके ऐसे ही 2019 आ गया। लाइफ में अभी कोई भी हमारा एम सेट नहीं हुआ है, क्या करना है कुछ नहीं पता। यूट्यूब को भी मैंने सीरियस नहीं लिया था, बस सिर्फ एक नॉर्मली काम चल रहा था, यूट्यूब के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता था, मगर काम करते जा रहे थे। फिर 2019 में आके, 2019 के बाद में जब लॉकडाउन हुआ, उससे कुछ ही टाइम पहले मैंने अपने काम को एक बार फिर से रीस्टार्ट किया, यानी कि काम मैंने यूट्यूब को सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि भाई अब तो करना है, कुछ भी हो करना है। मैंने टेक्निकली वीडियोस बनानी शुरू की यूट्यूब पर, ये यूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, जब मेरा एक्सपीरियंस हाई होगा तो भाई मेरी ग्रोथ बढ़ेगी, जब मेरी ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक भी होगी। अच्छा, ये सब करते करते जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ये कहना कि भाई क्या कर रहा है ये, इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है। देखो यार, जो इस काम के बारे में जानता होगा वो इस काम को समझ सकता है, या फिर थोड़ी बहुत ऐसी भी नॉलेज रखता होगा अच्छी, तो वो ही शख्स इस काम को समझ सकता है। बाकी जो होता है ना नॉर्मल घरेलू सोसाइटी के, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी फैमिली में सब एक नॉर्मल ऐसे ही हैं, सीधे लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने पूरे ख़ानदान में एक मैं ही हूँ जो इस स्टेज तक पहुँचा हूँ, यूट्यूब पर काम करता हूँ, बाकी उसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो वही सब घर वालों ने काफ़ी कहा कि भाई नहीं मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, अब कुछ नहीं हो रहा, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है भाई, बेकार कर रहा है। मगर उस टाइम में मेरी अम्मी ने बहुत साथ दिया, अम्मी ने इतना साथ दिया कि उनके समझ में तो कुछ नहीं आता था काम, मगर वो फिर भी मुझे समझती थी कि कर रहा है, दिल लगा के कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, हो सकता है कि अब नहीं तो आगे चल के कुछ ना कुछ तो हमें बेनिफिट हो और अपनी लाइफ को ये सेट कर ले। हालांकि पापा बहुत बकते थे, उसके अलावा जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब या तो हंसते थे या मुझे बोलते थे कि भाई क्या कर रहा है, इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है, इससे अच्छा है जो तू काम करता है एयर कंडीशन का, वो काम को तू आगे बढ़ा। तो भाई दिमाग ऐसा हो गया था, मतलब ख़राब। अब उनकी बातें सुनो या अपने काम के ऊपर फोकस करो, करें तो क्या करें भाई, अपने पैरों पर खड़ा होना था, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी। और फिर क्या हुआ, अचानक से मैंने दिल में ठान ली कि अब मुझे करना है, लोग क्या कहते हैं मुझे किसी की बात को नहीं सुनना है। काफ़ी टाइम गुजरा, 1.25 साल ऐसे गुजर गया यूट्यूब के बारे में स्ट्रगल लर्न कर रहा हूँ, घर वाले ताने दे रहे हैं, हालांकि अम्मी ने कभी ऐसा नहीं कहा, मगर फिर भी काफ़ी हद तक मैंने वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, फेस किया। घर के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन, अब जो लोग आते घर में परेशानी देख के, वो ये कहते कि ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, इसको काम पर भेजो ना, ताकि 2-4 पैसे आए तो इससे तुम्हारा घर का खर्चा वर्चा ठीक हो सके। तो फिर अचानक से क्या होता है, रमज़ान आते हैं, रमज़ान की मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, रमज़ान आते हैं तो वहाँ मेरा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आता है। और यकीन करो, जैसे ही YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया, मैं खाना खा रहा था दोपहर का, एक बाइट एक निवाला मैंने उठाया था, निवाला उठा के मैंने खाया, मैसेज आया 3:15 बजे का वक्त होगा, मैंने देखा भाई मैसेज 14,600 का मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, और मैं खाना छोड़ के, करना नहीं चाहिए मगर फिर भी वो एक्साइटमेंट ऐसी थी कि मुझसे रहा नहीं गया, और अगर मैं खाता भी तो मुझसे खाया नहीं जाता खाना, तो मैंने वहीं खाना छोड़ा, मैं गया सीधा बैंक, भागा हुआ
अपने डेबिट कार्ड से मैंने जो थे पैसे वो निकाल लिए सारे, और यूँ पापा के हाथ में 10,000 रुपये लाकर जैसे ही मैंने दिए वो तो भाई खुशी से पागल हो गए। मेहनत रंग लेकर आए भाई, सफल हो गए। अच्छा, यूट्यूब में ग्रो होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा था 2019 में BB13 आया। बिग बॉस का मैं पहले से शौकीन हूँ, मैं स्कूल टाइम से बिग बॉस को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। अब के कुछ सीजन्स ऐसे रहे जो पिट गए, सीजन 12 जैसे कि पिट गया। सीजन 13 में आके जब स्टार्ट हुआ, 2019 की बात थी, तो उस टाइम में मुझे नहीं लग रहा था कि भाई बिग बॉस ऐसा चलेगा। फिर मैंने देखा यार क्रेज़ तो बहुत तगड़ा है, तो मैंने कहा देखना चाहिए बिग बॉस। बिग बॉस मैंने देखा, उसके अंदर सिद्धार्थ शहनाज़ की जोड़ी काफ़ी पसंद आई भाई, बहुत पसंद आई मुझे, क्या औरों को भी पसंद आई। अब मैं भाई औरों को बता रहा हूँ, अरे बिग बॉस क्या ज़बरदस्त चल रहा है भाई, शहनाज़ ने धूम मचा रखी है। औरों को बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ भाई, मैसेज आ रहा है डेली के, भाई अब क्या है भाई, अब क्या चल रहा है भाई, तेरे पास तो कुछ ना कुछ खबर आ रही होगी, बता। ओ भाई मैं परेशान। मैंने कहा बेटा काम करो, तुमसे कल परेशान नहीं होना पड़ेगा तुम सभी को। मैंने बनाया चैनल ये वाला ट्रेंडिंग वर्ल्ड, और मैंने अपडेट देनी शुरू कर दी भाई। उसके ऊपर 15-20 व्यूज़ आए, मैंने कहा चलो 15-20 कुछ तो आए। फिर मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनाता गया। 12वां 13वां वीडियो अचानक से वायरल हो गया, सीधा 1 लाख, 1 लाख पार भाई। और मेरा दिमाग ख़राब, ये क्या हो गया भाई, रात ही रात 1 लाख लोगों ने देखा, इसका मतलब जो अपडेट्स हैं वो पसंद आ रही हैं, तो भाई और देनी चाहिए। और उस टाइम में एक बड़ा क्रेज़ चल रहा था शहनाज़ का, बीच में ब्रेकअप हो गया था, वो अलग हो गए थे, तो फिर उसके बाद से उनका मिलन हुआ। फिर ऐसे काफ़ी सारी अपडेट्स दी लोगों ने मुझे जाना। फिर मैंने कहा यार वॉइस ओवर बहुत हो गई, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता था पिक्चर्स के ऊपर। मैंने कहा फेस कैम करना चाहिए, ताकि अपनी भी फेस रेपुटेशन, फेस वैल्यू बने साथ में। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी फेस कैम वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। और जितने मेरे टेक्निकल के मेंबर्स थे जो मैं यूट्यूब का काम सिखाता था, वो भी इसके ऊपर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगे, जुड़ना शुरू हो गए। वो भी काफ़ी सारे लोग जुड़े, काफ़ी ऑर्गेनिक लोग हैं, वो भी हमारे चैनल के साथ में जुड़े, सब्सक्राइब किया जाना, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। अब धीरे धीरे करके 3-4 महीने में थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होता गया। कभी 12,000, कभी 13,000 महीने के आते गए, हमारे लिए उस टाइम में बहुत तैयार, जिसके पास ना हो और उसको तो 10-12,000 भी ऐसे लगते हैं जैसे मानो लाख 2 लाख रुपए आ गए हों। तो वही सब मेरे साथ में हुआ, अपडेट्स धीरे धीरे चलती गई। 3-4 महीने के बाद ही पता लगा जब चैनल ग्रो हुआ। अब चैनल चलते हुए 4-5 महीने का ही वक्त गुजरा था, उसके बाद से फिर शादी की सिचुएशन आके खड़ी हो गई। मैंने कहा चलो यार ठीक है, अब कर लेनी चाहिए शादी, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार के अराउंड तो आ ही जाते हैं। अब मैं खुद का एक रेंटेड फ्लैट लेके वहाँ पर रहूँगा भी और काम भी करूँगा, क्योंकि जहाँ मैं रहता था छोटी सी जगह में जहाँ मैंने काम स्टार्ट किया था, वो बहुत छोटी जगह थी, वहाँ हमारा गुजारा नहीं हो सकता था जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। तो फिर क्या किया, एक रेंटेड फ्लैट लिया। रेंटेड फ्लैट लेने के बाद वहाँ का रेंट जारी है भाई 10,000-12,000, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा होता है और एसी ज़रूरी है हमारे काम में। फ़ैन और कूलर चलाएंगे ना, उनका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है माइक में। अब रेंट देने लगा भाई, देते देते फिर अचानक से वहाँ के लैंडलॉर्ड ने कहा कि जी ये मकान खाली करना है, हमें बनाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली कर दूंगा। खाली करने के बाद हमने दूसरा घर लिया, और वो है ये वाला भी रेंट पर है, ये घर अपना नहीं है। तो सपना सबसे बड़ा ये है, खुद का घर करना। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आसान तो नहीं है, मगर मैं ये कहूँगा अपनी मेहनत के बल पे कि मुश्किल भी तो नहीं है ना। सपने देखो, सपने सभी के पूरे होते हैं, मगर उसके अंदर मेहनत, लगन। कहते हैं कि यार एक काम हमें करना है, उसमें हमारा लक नहीं है, वो लक की बात नहीं होती, लक आप बदलवा सकते हो। कहते हैं कि जो ऊपर वाला आपके किस्मत में लिख देता है सो लिख देता है, मगर उसको बदलवाना कैसे ये भी हमारे हाथ में। वो ऐसे है कि आप दुआएं करो, दुआओं वाले काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकले बददुआ के पलटे। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होता, जो आपकी किस्मत में बुरा भी लिखा होगा ना, वो भी मिट के अच्छा लिख जाता है, जहाँ तक की मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सीखा है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे काम करते रहो। ये मत सोचो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे भी आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा, ये मिलेगा। आप किसी की मदद कर रहे हो 10 रुपये की, आप उम्मीद रख रहे हो कि मुझे 100 मिलेंगे, 1,000 मिलेंगे, भूल जाओ भाई, क्या ज़रूरत पड़ी है। आप दो भूल जाओ। याद वो रखो जो आपने गलतियाँ की है, क्योंकि आप जो गलती याद रखोगे आगे से वो गलती आप नहीं दोहराओगे। हाँ लाइफ है, गलतियाँ सभी से होती हैं, और उन गलतियों से सीखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन गलतियों को करके दोबारा गलती करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज की डेट में ना हर किसी की लाइफ स्ट्रगल से भरी रहती है। आज की डेट में हर कोई मेहनत करना चाहता है, मगर हर कोई सफल नहीं होना चाहता, ना जाने क्यों। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो मेहनत तो करता है 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल, फिर वो जो तीसरा साल ग्रोथ करने का होता है ना,
वो दूसरे साल में पीछे हट जाता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई उसे क्या पता थी कि तीसरा साल उसके उसके लिए आगे बढ़ने का होगा। और आज की डेट में दुनिया का बड़ा दस्तूर है, चीज़ों से मोहब्बत करते हैं। पहले के लोगों की कहावत और वो ये है कि इंसानों से मोहब्बत करो, चीज़ों से नहीं। मगर आज के माहौल के अंदर, आज के दौर में क्या चल रहा है, चीज़ों से मोहब्बत है, इंसानों से नहीं। अगर आप सुपर कार के अंदर या सुपर बाइक पे या बड़ा सा बंगला ले लो, ओ हो भाई क्या बात है भाई, वो देखो तरक्की कर रहा है, कहीं से भी लिया हो आपने, वो देखो तरक्की कर रहा है भाई, तुम्हारी एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट वैल्यू। और जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी, तुम्हारे आगे ऐसे लोग आएंगे बातचीत करने के लिए। और जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, आपके पास में एक खूबसूरत सा दिल है, आप दिल बिछा देते हो, मगर आपके पास में चीज़ें वीज़ें कुछ नहीं है, एक नॉर्मल इंसान हो, तो आपके पास में कोई नहीं आएगा आपके टैलेंट को जानने के लिए। और जब आपके पास चीज़ें होंगी, टैलेंट नहीं होगा, तो उस टाइम आपके पास लोग आएंगे टैलेंट को आपके जानने के लिए। बताओ जी, तो इसीलिए कहते हैं ये दुनिया है देखे हुए पर विश्वास करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी मेहनत और अपने नर्म दिल के ऊपर ज़्यादा विश्वास करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ के अंदर। और हमारे को आगे बढ़ने में सक्सेस का पहला कदम यही होता है, सक्सेस का पहला कदम है सभी की दुआएं लेनी, किसी का दिल ना दुखाना। अगर आप किसी का एक रुपया हो, 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, या 1,000 हो, या 1,00,000 हो, जितने भी हो, तो उनके पैसे चुपचाप इज्जत के साथ में रिटर्न कर दो टाइम से पहले। उनको ये कहने का मौका ना मिले कि भाई मेरे पैसे लेके बैठ गया, वो 10 जगह कह रहा है कि भाई मेरे पैसे हैं, उसके ऊपर मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे, या फिर मेरी ये चीज़ है, मेरी वो चीज़ है। आप किसी को कहने का मौका ना दो, सभी को खुश रखो, किसी का नाजायज दिल ना दुखाओ, तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम में ना आए, या फिर किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो। अगर सामने वाला कर रहा है तो ठीक है भाई, कर रहा है, मगर तुम अपना नेचर को संभाल के रखो, क्योंकि ये जो नेचर है ना हमारा, ये हमें बहुत आगे तक ले जाना चाहता है, जिसको हम पहले ही अपने नेगेटिव थॉट से रोक लेते हैं। तो इसीलिए हर तरह से अपने मन को साफ रखो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिर्फ यही बात शेयर करना चाहूंगा। बाकी अगर हो सकता था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती, तो मैं कहां तक पढ़ा लिखा होता, या फिर हो सकता था कि मैं पायलट बन जाता या मैं क्रिकेटर बन जाता। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह थी जो मैंने अपनी लाइफ में भरपूर, मगर हाँ मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिनके पास में कुछ नहीं होता, जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, वो लाइफ में हर पल हर दौर देखते हैं, हर चीज़ हर सिचुएशन को चुटकियों में हैंडल कर सकते हैं। अब ऐसा भी मेरा पर्सनल ही एक्सपीरियंस कहता है। बाकी तो लाइफ सबकी है यार, सबके साथ में मौज मारो। हर किसी की हर एक की आंखों में सपने बड़े बड़े होते हैं, मगर उस तक पहुंचना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। सक्सेस के लिए आप ज़रा सोच कर देखिए, आप अपने आप को साफ करके देखिए, फिर देखिए सक्सेस की सीढ़ी पर आप कैसे चढ़ पाते हो। और उस कंडीशन में सिचुएशन में रोकने वाले 10 होंगे, मगर आपका दिल ये गवारा नहीं करेगा कि इनको पीछे मुड़ के देखा जाए या फिर रोका जाए। और आज की डेट में अल्लाह का शुक्र ये है कि हर चीज़ है। आज अभी मैंने कार भी ली है कुछ टाइम पहले, चाहे भले ही मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली हो, 1.5 लाख के अराउंड मैंने गाड़ी ली है, मगर मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। मैं ये नहीं देखता पुरानी है नई है क्या है क्या नहीं, मैं ये देखता हूँ कि अपने मेहनत के दम पे लिए, अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने आप को संभाल कर, और अपने उन शौकों को मारकर जिन शौकों से मेरे ज़्यादा पैसे खर्च होते, मैंने काफ़ी कुछ हैंडल किया, काफ़ी मैनेज करने के बाद गाड़ी ली, मगर मैंने वो गाड़ी दिल से लिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हाँ मैं उस गाड़ी के काबिल बना या वो मेरे काबिल बनी। अब यहाँ पर बात वही लागू होती है कि मुझे चीज़ों से मोहब्बत नहीं है, मैं सिर्फ चीज़ तभी लेता हूँ जिससे मेरी ज़रूरत पूरी हो सके, बाकी ऐसा अदरवाइज़ मेरा कोई बड़े शौक वॉक तो है नहीं, हमें ये करना है हमें वो करना है। मगर एक मेरा बड़ा सपना है, खुद के दम पे खुद का घर लेना। और ये सपना मेरा कब पूरा हो पाएगा ये तो खैर मैं नहीं जानता, मगर मैं कोशिश पूरी करूंगा दिल और जान से। बाय द वे आप सभी के सपने क्या होंगे, एक एक करके मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो या स्टोरी अच्छी लगी हो, वैसे तो बहुत सारी बातें मेरी लाइफ से जुड़ी, वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट में ये सभी चीज़ें शेयर की हैं, बनाने बैठूंगा तो वीडियो 2-3-4 घंटे पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। कितनी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ के अंदर फेस की है, मैं आउट ऑफ इंडिया भी, आउट ऑफ दुनिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी मैं गया हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत तरह तरह की लैंग्वेजों के एक्सपीरियंस लिए, मगर वो मेरे लिए सफल नहीं था।
जो सफल था मेरे लिए, जो मैंने सोचा समझा, मैंने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किया और अभी तक मैं उसी के ऊपर फोकस करता हुआ आया हूँ। बाकी आगे का मेरा एम क्या है ऐसा तो अभी मुझे कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा मेरा एम यही है कि मुझे खुद का घर लेना है। तो यार तुम्हारी, एंड हाँ मुझे बताना ज़रूर कि आपकी शॉर्ट स्टोरी क्या है कॉमेंट में लिख के, ताकि मुझे पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा सपोर्टिंग के लिए।